कवि और शायरों का थोड़ा सा मैंने एक गंदा सा डेफिनेशन बनाया, सुन लेना। शायर और कवि में फर्क क्या है? बोले जिसको जिसकी उर्दू बहुत अच्छी होती है वो शायर, और जिसकी हिंदी बहुत खराब होती है वो कवि। और उर्दू खराब होने के बाद भी कुछ कवियों की हिम्मत देखो, वो स्टेज पे उर्दू बोलने की कोशिश करते। आज जावेद भाई ने ये जो कार्यक्रम करवाया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पहला पेश कर रहा हूँ, शेर है, शेर। उसके हालात कहते हैं कि गले लग जाए, ये पहले तो याद आ गई उसको। उसके हालात कहते हैं कि गले लगा लो, पर मेरे हाल कहते हैं कि फिर रिपीट करते हैं। उसके हालात कहते हैं रोहित, उसके हालात कहते हैं कि आप एक बार में सुन मिलाइएगा अगर यहाँ पर जिंदा है आप लोग, तो ऐसा कुछ बोलेंगे। अगर भारत माँ से प्यार करते हैं तो बताइएगा। वो बताइएगा कि उसके हालात कहते हैं कि गले लगा लो, अब अगले लाइन भूल चुका है वो। और मेरा हाल उसके हालात कहते हैं गले लगा लो, और मेरा हाल कहता है बैटरी लो। बैटरी लो। एक मेरा दोस्त है, वो कविता जो है ना वो अजीबोगरीब दिखता, पहली बात तो अजीब दिखता है वो। उसका नाम सुंदरलाल हैंडसम रख दिया किसी ने, क्योंकि माँ बाप बचपन से तो सुंदर हैंडसम बोलते भाई। माँ बाप तो माँ बाप है बेचारे, हम तो श्रद्धा के मारे होते हैं। मेरा बेटा सबसे हैंडसम है बच्चा। माँ तो मेरा बेटा, वाह 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 बेटा कितना स्मार्ट है। आप बच्चे नहीं गलत है पाल लें, लेकिन जब प्यार हुआ तो लड़की ने जो जवाब दिया उसका दिल टूट गया। अब दिल टूटने के बाद में मैंने उससे पूछा हुआ क्या, तो अब वो कविता में जवाब देता, कहता है सुनेगा। माँ बोली तू तो स्मार्ट, मिली नहीं मिलियंस में एक है। माँ बोली तू तो स्मार्ट, मिलियंस में एक है। बापू भी बोला क्यूट, बिलियंस में एक है। ये बात जब प्रेमिका को बोली दी मैंने, वो बोली मंकी तू तो एलियंस में एक है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कभी कभी सम्मेलन में होता है। अभी मुझे याद है अच्छी तरह से, यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त और भी बैठे, रियाज को मैं हमेशा से बहुत पुराना दोस्त है मेरा। ये एक बार अदनान सामी के पास काम करता था, जब अदनान सामी बहुत मोटे थे, अब तो उन्होंने कर लिया अपना को आदानान कर लिया। पहले तो बहुत मोटे थे, बहुत मोटे, मतलब आवाज़ तक ऐसे लगती थी जैसे कि अपनी बहुत मुश्किल से निकल रही है। उनके गाने भी ऐसे होते थे कि भाई तुझे कौन लिफ्ट कराएगा। फिर बीच में दुबले हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए, मोटे थे दुबले हो गए, अब दुबले हो गए तो फिर गा रहे भर दो झोली। ऊपर बोलता अरे यार तेरी झोली मैंने भरी थी तो खुद ही खाली कर गया। तो जब अरनान भाई बहुत मोटे थे तो रियाज के पास काम करता था, एक तो मुझे फोन आया सुनील भाई मुझे बचा लो। मैंने कहा क्या हो सर? फिर आज मैं मर जाऊंगा। कैसे? अदनान भाई किसी को फोन पे कह रहे हैं कि आज मैं पूरा दिन रियाज में बैठूंगा। नाइन्टीज का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नाइन्टीज का म्यूजिक जो था वो अशोक साहब मेलोडी। मैं मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन तो मित्र ये नोटबंदी का शिकार हो चुका है।
केवल 50 दिन मित्रों, 50 दिन लोग आपस में कुछ चले यार लोग पुराने लोग 50 दिन बाद देखना याद है वाट लगा देगा 50 दिन बाद आया लोग कैसे यार नोटबंदी में मुझे सपोर्ट किया धन्यवाद आगे भी ऐसा धन्यवाद सपोर्ट करते रहिएगा नोटबंदी में मुझे सबसे ज्यादा युवाओं ने सपोर्ट किया तो युवा नहीं है वायु है ये वायु है मित्रों नोटबंदी में मुझे युवाओं ने सपोर्ट क्यों किया क्योंकि मैंने नोटबंदी की थी नेटबंदी नहीं मित्रों मैं पूछना चाहता हूं मित्रों युवा खुश है कि नहीं यहां जितने युवा बैठे खुश है कि नहीं माना नोटबंदी में नेटबंदी नहीं ओवर साइड युवाओं को हमने आशीर्वाद दे दिया जी हो फ्री में जी हो मित्रों आज जो भी योजनाएं मैं बताता हूं उसकी सफाई टीवी पर मैं रेडियो में बोल के चला जाता हूं सफाई जेटली जी देते हैं क्यों क्योंकि रेडियो मतलब मन की बात है मन की बात मतलब रेडियो रेडियो मतलब एफएम एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर मतलब जेटली वो मेरा मन की बात मुझसे भी ज्यादा बता सकते हैं परंतु लोग उन पर ये आरोप ना लगाए कि चाय से ज्यादा जेटली गर्म है और चाय वाले से ज्यादा जेटली गर्म है मित्रों ऐसे में नोटबंदी कर देते आज रात से 50, 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे बेचारे सबके चेहरे उतर गए क्या लेकिन आप इसको हॉस्पिटल में जरूर खर्चा कर सकते हैं उन्हें पता था कि इसके बाद यही होगा आज ये खाना छोड़ के दवा खाने ढूंढ रहे थे पेट्रोल पेट्रोल वो पता है सब जगह जा रहे थे और फिर सुबह 2 दिन के बाद बैंक खुला तो बैंक में लंबी लाइन थी पुराने नोट बदल के 4000 के लिए वो लाइन थी लंबी लाइन लगी थी अब लंबी लाइन में सबके चेहरे उतरे बेचारे कितने व्हाट्सएप पर ड्यूटी कर किसी पर पैसे नहीं हालत खराब सब ऐसे ऐसे जो सबसे ज्यादा सुखी था उसके ज्यादा पैसे गए नहीं थे वो कुछ करना पड़ता कॉर्पोरेट यार अरे तो हम निकलेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा हमें मोदी जी को सुनना चाहिए अंदर विश्व भी मुझसे छुपा सपोर्ट करना चाहिए पीछे चल चल सपोर्ट करना चाहिए 2 घंटे से बोला मुझे आगे जाने तो तब तो सपोर्ट नहीं कर रहा और इतनी बुरी हालत दिन भर के लाइन में लगे हुए हैं बच्चे औरतें ये वो सब लाइन में लगे हुए हैं और मीडिया वाले उनकी जख्म को नमक शरीर में पहुंचाते सबसे ज्यादा मनुष्य को ढूंढ रहे सर कैसा लग रहा आपको कहां से आए कहां से आए वे आज तक से तो कल तक कहां थे भी तो क्या मतलब न्यूज चीज तो मतलब ये जो योजना बनी है मोदी जी ने जो 500 और 1000 करोड़ बंद किए इसके आप खिलाफ है ना ये कहना चाहते हैं आप तो समझिए कि आप फंसा देंगे नहीं 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 मोदी
मित्रों मित्रों बोल के शत्रु जैसा काम किया, उम्मीदवार समझा था तुझे उम्मीद पे वार कर दिया। सब खुश है ना? हाँ हाँ, मैं तो फेवर नहीं और चार दिन से फीवर पे हूँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइन में लगे थे, मैंने बच्चा साहब को भी देख लिया लाइन में लगे हुए, चार हजार बंदे लाइन लगे थे। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, सर इसका कोई फायदा नहीं, लाइन पे लगना पड़ेगा। ये जो लाइन है आपके पास तो एक ही लाइन, लाइन मेरे पास तीन लाइफ है। लगे हुए लगे लगे, जैसे छह लोग बचे वहां भी शुरू किया, देवी और छह जनों। डिस्टर्ब मत करो यार प्लीज। पांच लोग सामने खड़े थे कि जय जी का फोन आ गया, सुनिए जी आप लाइन में मत लगे, वापस आइए। और भाई बहुत लंबी लाइन से आ गया हूं। अरे लंबू वापस आ जाए, आप उससे बहुत प्यार करती है इसलिए बुला रही ना। यार यार कुछ नहीं करती, अभी नहीं मुझे पता चला लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं। और मैं नहीं चाहती कि रेखा ने लपटे बाद दोबारा पड़े। और उस जमाने में एटीएम बिल्कुल खाली हो गए थे, एटीएम में पैसा नहीं, खाली हो गए थे, तो जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को एटीएम समझती थी, भाव ही नहीं दे रही लड़कियों को, लड़कों को, लड़के परेशान, क्या हुआ तो तेरे तो मैं एटीएम था, ये लाके दे वो लाके दे ये लाके दे, मोबाइल रिचार्ज कर दे, पिज्जा खिला दे, सब फिर आज भाग नहीं दे रही है। अब तुझे बचाए क्या है एटीएम, तुझे बचाए क्या है, कुछ में कुछ नहीं बचा एटीएम, मीट माय न्यू बॉयफ्रेंड पेटीएम। इतना ज्यादा बदलाव हो गया उस टाइम में, लेकिन धीरे धीरे स्थिति परिस्थिति सामने आती है और वक्त एकदम कहाँ रहते हो? पार्ट टाइम घर में, फुल टाइम गटर में, फुल टाइम गटर में। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले तो बंबई का हूँ, लेकिन रोज मुझे लोग दिल्ली वाला कहते हैं। मामा रहता है लेकिन दिल्ली वाला कहते हैं, चलते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको म्यूजिक का शौक है? रेडियो सुनता हूँ। कौन सा रेडियो? रेडियो नशा। अपन तो फिल्म भी मल्टीप्लेक्स में देखते हैं। कौन सा मल्टीप्लेक्स में? पीवीआर। चलते हैं जिंदगी दो चीज चलती है तो हाँ या तो ना, नहीं तो चमाड़ में। अब हमारे एक और कैरेक्टर है, वो इतना पी के क्लासिकल प्रोग्राम में दिया, क्लासिकल प्रोग्राम, क्लासिकल प्रोग्राम। वेरी गुड, हार्ड होल्ड, हार्ड थोड़ा सा घोड़ा नहीं तब घोड़ा नहीं लिया। और बर्थ पे आदमी ऐसा सोता है एजिडो के साथ में जैसा उसका बर्थ इसी बर्थ पे हुआ। मस्त चादर ओढ़ के ठंडी के टाइम में उसके खराटे बताते कहाँ जा रहे, खुद नहीं बताते एजिडो, खुद ही बताए ऐसा कहाँ जा रहे हो, घर घर। रात के टाइम वो एलियंस की तरह चाय वाले आते, भूत की तरह मुंह से हवा निकलती है, धुआं निकलता है, मफलर धरती के सुबह सर्दी के सीजन में एकदम हवा मुंह से भाप निकल रही है, हाँ इस टाइप के लोग आते हैं। और वो आवाज़ भी ऐसी होती है जैसे वाकई एलियंस लगते हैं। चाय बेचते सोया हुआ है, उसका कंबल उठा के पीछे फिर घबरा के उठता सारी अगर खत्म
सबको भगा दिया, उसको मतलब भूत है क्या चाहिए भैया? रात के टाइम मफड़ा पकड़ के वही से भूत ही लग रहा है क्या है अबे क्या है खिड़की के पास बैठा था नासिक में, एक वड़ा बेचने वाला है, वो माँ का सब मेरे आंखों में आकर मिला के ऐसा वड़ा बेच रहा है जैसे मुझे धमकी दे रहा हूँ। आप यकीन मानिए वड़े से तो खुद गर्म था। मतलब उसका काम इशारे से भी चल जाता है, उसको लगता कि ऐसा भूल मत बोले, हाँ दो वड़े दे दो, यहाँ उसकी दागेरी ली। कैसे आप बड़े बोलो बड़े बोलो बड़े बोलो मैं समझा नहीं बड़े 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 तू क्या हनी सिंह है इतना फास्ट कर रहा है बड़े बोलो अरे मैं क्यों बोलूं ये तेरा धंधा तू बोल बड़े बोलो बड़े खुश बड़े आप आगे बढ़े आगे खुश आगे बड़े खुश उसको बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पे दो तीन राइटर भी बैठे हैं और राइटरों का मेरे आज तो राइटर तो यस व्हाट यू वांट लगे हुए लेकिन एक जमाने में बेचारा झूला चाह राइटर शक्ल से झूला जा बनता था, दाढ़ी बढ़ रही तो भी बढ़ी रही है, उसने कसम खा की जब तक फिल्म नहीं साइन करूंगा और फिर उसका फोटो आता था दाढ़ी के साथ एंड वाला फिल्म साइन नहीं की ना क्या फिल्म नहीं साइन तो ऐसे ऐसे राइटरों को देख के मुझे एक शेर याद आ गया किस तरह देखिए कि जब से शुरू की है राइटिंग बाबा जब से शुरू की है राइटिंग हालात से कर रहा हूँ फाइटिंग खुद तो भूखा मरी रहा हूँ परिवार भी कर रहा है डाइटिंग तो फिर ट्रेन का आखिरी पंच दिमाग में आ रहा है मेरा मैं भूल गया था रास्ते में तो पता है आप लोग की ताली के बीच में बुझ जाता हूँ तो तालियां जो बजाते रहे एक बार दुर्गापुर में ताली बजा दीजिए फोटो ले रहे हो कितना हैंडसम बनता है दूसरों की तस्वीर खींचते हो कभी खुद की भी खींचो कैमरा महंगा है तुम्हारे ही है ना ये फोटोग्राफर हमारे अच्छे दोस्त है पर इसकी इमेज अच्छी नहीं है फोटो की और ट्रेन में वो एक समोसे वाला आ गया समोसा बेचने वाला एक बुढ़िया बैठी थी 95 साल की शायद विधवा थी बेचारी विधवा थी उसको छेड़ रहा है हाँ जी समोसा तो बढ़िया बोली नहीं बेटा जरी बुजुर्ग 90 साल की विधवा मैं समोसा नहीं खाती उसको भड़क गया अच्छा मौसा खा दे समोसा नहीं खा सकती तो आइए अब आखिरी आइटम पेश करता हूँ काम शैतान का अगर जल्दी का काम शैतान है तो मला नहीं मुझे बताओ कि जल्दी को फिर हरि क्यों कहते हैं तो जल्दी का काम तो हरि का होना चाहिए काल करो सो आज करो सो अभी ये भी कहावत है और एक तरफ बोलती है जल्दी जल्दी का काम शैतान का मतलब जल्दी करो तो प्रॉब्लम है नहीं करो तो प्रॉब्लम अभी मुझे किसी ने पूछा था कि गाय के बारे में बताया मैंने कहा एक कहावत याद आ रही है कौन सी मैंने कहा ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से भय इसको निकाल सकते निकलेगा एक ही पार्ट निकलेगा दो पार्ट निकलेगा ये हमारा माइक ऑलरेडी एडवर्ट
सीरियस।